मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच यूनिट 6 ने किया 6 बोगस डॉक्टरों को गिरफ्तार। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की यूनिट नंबर 6 ने गोवंडी, शिवाजीनगर के आसपास के अलग अलग परिसरों से गत 4 फरवरी को मुंबई मनपा के स्वास्थ्य अधिकारियों की मदद से छापामार अभियान चलाया और इस अभियान में किसी भी तरह की कोई भी डिग्री या मेडिकल की शिक्षा प्राप्त न किए हुए 6 बोगस डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है। शिवाजीनगर और बैंगनवाड़ी से गिरफ्तार होने वाले इन डॉक्टरों के नाम मुकुल अमर किसनदास, उम्र 34 वर्ष, शिक्षा 11वीं तक की, ये कामना पाइल्स क्लिनिक चलाता था। मकसूद अहमद, मोहम्मद रिजवान अंसारी, उम्र 42 वर्ष, शिक्षा 5वीं तक की, शाही यूनानी सेंटर चलाया करता था। किस्मत अली सलाह शाह, उम्र 31 वर्ष, शिक्षा 8वीं तक की, निजाम गांधी यूनानी सेंटर नामक दवाखाना चलाया करता था। तैयब अली अब्दुल्ला चौधरी, उम्र 50 वर्ष, शिक्षा 6ठी तक, ये अब्दुल्ला गांधी देसी जड़ी बूटी आयुर्वेदिक सेंटर चलाया करता था। मुख्तार अली बरकत अली शाह, उम्र 45 वर्ष, 5वीं तक की शिक्षा, न्यू निजाम गांधी नामक ये दवाखाना चलाया करता था। कमरुद्दीन अब्दुल अहमद मारूफी, उम्र 53 वर्ष, शिक्षा 12वीं तक, मदनी यूनानी दवाखाना ये चलाया करता था। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट 6 ने इन तमाम बोगस डॉक्टरों को गोवंडी, शिवाजीनगर, बैंगनवाड़ी इलाके से गिरफ्तार कर इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड की धारा 419 420 के साथ महाराष्ट्र मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1961 की धारा 33 और 36 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस आगे की जाँच कर रही है। गोवंडी, शिवाजीनगर, बैंगनवाड़ी परिसर से मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बोगस डॉक्टरों को गिरफ्तार किया। इसकी जानकारी देने वाली थी आज की हमारी खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर में।